दोस्तों, आपने तरह तरह के कार देखी होंगी, तरह तरह के बाइक्स देखे होंगे, जिसे देखने के बाद हम सब सोचते हैं कि इंजीनियर्स ने क्या खूब दिमाग लगाया है। ठीक वैसे ही आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं दुनिया भर के कुछ अजीबोगरीब साइकिल, जिसे देखने के बाद आप कहेंगे वाओ क्या साइकिल है। तो बिना देर की आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वाटर साइकिल, रोड के बाद ये दूसरा साइकिल है जो पानी में भी चलता है, जिसकी स्पीड है 10 माइल्स पर आवर और ये पूरी तरह पोर्टेबल है, जिसके सारे पार्ट्स को जोड़ने में 15 मिनट लगते हैं और पूरे पार्ट्स को वापस खोलने में सिर्फ 5 मिनट। इसे आसानी से कहीं भी कैरी किया जा सकता है सिर्फ एक बैग में और ये वजन में काफ़ी हल्का है, जिससे इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। है ना इंटरेस्टिंग। बाई सिंपल साइकिल, इसे डायरेक्ट ड्राइव साइकिल कहते हैं, जिसमें दोनों चक्के के बीच में कोई कंपोनेंट नहीं होता। इसके दूसरे व्हील में डायरेक्ट पैडल लगा हुआ होता है और दिखने में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके दोनों चक्कों के बीच ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होती, जिसके कारण ये साइकिल को दाएं या बाएं मुड़ने में वक्त नहीं लगता। इसे जर्मनी की एक कंपनी ने डिज़ाइन किया है। द हाफ साइकिल, इस साइकिल के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये सबसे छोटी सी साइकिल है जो आराम से एक बैग में लाया जा सकता है। इसे स्मॉलेस्ट सिटी हाउस और अपार्टमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां छोटे से छोटे कॉम्पैक्ट जगह में भी आराम से चलाया जा सकता है। साइंस का ये अद्भुत नमूना आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। गेंट साइकिल, ये साइकिल को देखने के लिए ज़रा गर्दन ऊंची करनी पड़ेगी। ये साइकिल 20 फीट ऊंचा है। इसे लॉस एंजलिस के एक सिनेमेटोग्राफर रिची ट्रिम्बल ने बनाया है और इनके पास दुनिया में सबसे बड़ी साइकिल बनाने का रिकॉर्ड भी है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये विशालकाय साइकिल को बनाने में ट्रिम्बर को सिर्फ 4 दिन लगे। साइडवेज साइकिल, इसे देखने के बाद शायद थोड़ा दिमाग घूम जाए कि ये चलता कैसे है। इसे बनाने वाले ने अपने हिसाब से इस साइकिल को बनाया है, जो सिर्फ वही चला सकते हैं। इस साइकिल के मैकेनिज्म को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप एक ही बार में दोनों चक्कों पर बल लगा सकते हैं, जिससे कि आपको कम मेहनत में इसकी स्पीड ज्यादा मिलती है। दोस्तों, अब मिलिए दुनिया का सबसे लंबा साइकिल से। ये साइकिल 1070 फीट लंबा है और इसमें 2 बड़े चक्के लगे हैं। इस सुपर लॉन्गेस्ट साइकिल को चलाने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एक आगे बैठकर सिर्फ हैंडल संभालता है और दूसरे पीछे बैठकर पैडल मारता है ना कमाल। अगर आप चाहते हैं कि आपके साइकिल आपके छोटे से बैग में आ जाए, तो ये साइकिल आपको बहुत पसंद आएगी। ये फोल्डेबल साइकिल है, जिसका वजन सिर्फ 14 kg है। इसमें सारे पुर्जों को एक साथ मोड़कर छोटा किया जा सकता है। दिखने में ये छोटी साइकिल का रफ्तार आम साइकिल से ज़्यादा है। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलता है। हो सके ये आपको स्पॉर्ट कार लगे, लेकिन जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये एक साइकिल है। 2012 में एक लुम्बलम नाम के व्यक्ति ने इस कार साइकिल को बनाया था, जो दिखने में कार की तरह है, लेकिन सारा पार्ट साइकिल का लगा हुआ है। साथ में इसमें गियर बॉक्स भी लगा है, जिससे कि इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा रहे। साथ में इसमें हेडलाइट्स और बैटरी भी है, जो रात के अंधेरे में भी आराम से चल सकता है। और इसका गेट बिल्कुल फरारी कार की तरह खुलता है। दोस्तों, ये एक बेहद ही खास इन्वेंशन है, साइकिल जो हवाई जहाज की तरह हवा में उड़ सकता है। ये अमेरिका का रहने वाले 2 लोगों ने मिलकर बनाया है, जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रोड पर और हवा में 25 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकता है। इसमें बड़े प्रोपेलर फैन और साथ में एक बेहद ही खास तरह का इंजन लगा हुआ है, जो कि इलेक्ट्रिक स्टार्ट से स्टार्ट होता है। इसे टेक ऑफ करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसके बाद ये आसमान की ऊंचाइयों में रफ्तार पकड़ लेता है। दोस्तों, तो ये है कुछ अजीबोगरीब साइकिल का इन्वेंशन, जो शायद इससे पहले आपने कभी देखा होगा। और आपको इनमें से कौन सा साइकिल अच्छी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें।